Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. दोस्तों आज हम आपको सफर कराने जा रहे हैं इंडिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी हुई मेट्रो से। हम अपना सफर शुरू कर रहे हैं ये दहिसर, मुंबई दहिसर से। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े बियर बार्स हैं। यहाँ की शानदार जानदार खूबसूरती को आप ये देख लीजिए। और ये यहाँ पर ये रेल मार्ग है जो कि दिल्ली तक जाता है। इसी के ऊपर ये पूरा मेट्रो इस तरीके से बनी है मुंबई की। दोस्तों ऐसा लगेगा कि आप हेलीकॉप्टर में बैठकर सफर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंडिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी हुई मेट्रो, बीच में ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के ऊपर ब्रिज, तीन ब्रिज के ऊपर से मेट्रो जाते हुए हम आपको दिखाएंगे ये पूरा दहिसर को। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने पूरा यहाँ पर बियर बार्स रहते हैं। और यहाँ से दोस्तों इसके बाद जो आने वाला है स्टेशन, इसके बाद में जो है बोरीवली आ जाता है। ये आप सामने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना कि आप ये देख सकते हैं। अब गाड़ियाँ ऐसे माचिस की तीली जैसी लग रही है, माचिस की डब्बी जैसी। और ये यहाँ की खूबसूरती को आज हम आपको दिखा रहे हैं। डेमो तो आपने देख ही लिया है, अब पूरा विस्तार से इस वीडियो को आप ये देख लीजिए। हम आपको लेकर आ चुके हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मुंबई बोरीवली का नेशनल पार्क। यहाँ पर आकर आप टाइगर सफारी कर सकते हैं, कैनरी केव्स देख सकते हैं। ये सामने पूरा ग्रीन जो दिख रहा है ये यहीं पर नेशनल पार्क का गेट आप ये देख सकते हैं, मेन गेट। और दिन भर आकर आप यहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मुंबई की सबसे हाईटेक मेट्रो को आज हम आपको घुमा रहे हैं। उसमें बैठा कर ऐसा लग रहा है कि हमारी YouTube फैमिली इसमें घूम रही है। और इसके पश्चात दोस्तों कांदीवली में लेकर हम आपको प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि कांदीवली बहुत ही फेमस है। शिक्षा के हिसाब से अगर आप मुंबई शहर में आते हैं और आप उत्तर भारतीय हैं तो यहाँ पर ठाकुर पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर हैं। और उसमें उत्तर भारतीयों को बहुत ही रियायत दी जाती है। ये पूरा कांदीवली को आप ये देख रहे हैं दोस्तों। और कांदीवली में एक बहुत ही विशाल जगह महिंद्रा एंड महिंद्रा थार जीप का नाम तो आपने सुना ही होगा, उस फैक्ट्री को हम आपको दिखाएंगे। ये पूरा कांदीवली मुंबई का सबसे पॉश एरिया दोस्तों यहीं से शुरू हो जाता है। बोरीवली, कांदीवली, गोरेगांव, ये आप सामने आप जैसा कि हमने आपको बताया, ये अब महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी आने वाली है जो कि बड़े बड़े ट्रक्स मिलिट्री के भी बनाती है। ये इसका मेन गेट या महिंद्रा एंड महिंद्रा आप ये देख सकते हैं, ये मेन गेट है दोस्तों महिंद्रा कंपनी का। ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से हम आपको लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप हेलीकॉप्टर में बैठकर हमारे साथ में ये पूरा ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं कितनी हाइट में ये मेट्रो बनाई गई है और इसकी खूबसूरती की तो बात ही कुछ और है दोस्तों। मुंबई में जब भी आप आए और अगर आपको एक जगह से जल्दी जाना है तो मुंबई के ट्रैफिक से भी अगर आप बचना है तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भी सफर कर सकते हैं। लेकिन मुंबई की मेट्रो तो अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। मुंबई की खूबसूरत वादियां देखते हुए आप पूरा सफर तय करेंगे। और आज हम आपको दोस्तों गोरेगांव तक का सफर, अंधेरी तक का सफर इस में कराने वाले हैं। ये हम आपको लेकर आ चुके हैं, ये है मलाड़। मलाड़ में दोस्तों आप मड आइलैंड के लिए आप जा सकते हैं, जहाँ पर दिन भर रात भर शूटिंगे चलती है। मलाड़ वेस्ट स्टेशन पे लोकल से आपको 271 नंबर की बस आपको पकड़नी है दोस्तों। और ये
पुरार विलेज के नाम से जगह का स्टेशन यहाँ पर रखा गया है। ये आप ये देख सकते हैं पूरा मलाड़ बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। बोरीवली से जो आप चर्च गेट तक इस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से चले जाएंगे तो बड़ी बड़ी हाईटेक बिल्डिंग को आप ये देख सकते हैं दोस्तों, और बड़ा ही आनंद आ जाता है मुंबई शहर को घूमने में। और मेट्रो में घूमने की बात ही कुछ और है। ये सामने अब गोरे गांव दिखना शुरू हो चुका है जहां पर की कर्म भूमि फिल्म सिटी है। और ये यहां का फेमस मॉल को आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ओबेरॉय मॉल। जितने भी प्रीमियर गोरे गांव में होते हैं फिल्मों के ज्यादातर इसी मॉल के अंदर किए जाते हैं। यहाँ पर PVR थिएटर है और ये पूरे गोरे गांव की हाईटेक बिल्डिंग्स ओबेरॉय वुड्स को आप ये देख सकते हैं दोस्तों पूरी यहाँ पर। और पूरा गोरेगांव अपने आप में बहुत ही पॉश एरिया में आता है और बहुत ही मज़ा आ जाता है। ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कांच ही कांच की बिल्डिंग दोस्तों। बारिश का मौसम मुंबई शहर में चल रहा है और कभी धूप निकल जाती है कभी बादल आ जाते हैं, तो ये यहाँ पर हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों। ये गोरेगांव का स्टेशन आपके सामने आ चुका है। ये गोरेगांव में हम आपको यहाँ पर लेकर उतर रहे हैं, लेकिन हम आपको अंधेरी तक का सफ़र दोस्तों इसमें तय कराने वाले हैं। चलिए पूरा मेट्रो गोरेगांव का ये आरे का स्टॉपेज यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ से पूरा गोरेगांव कैसा लगता है इसके बाद में हम अंधेरी भी आपको लेकर जाएंगे। तो चलिए यहाँ से नीचे उतरकर अंधेरी में हमारे को भी काम है और ये पूरी खूबसूरत मेट्रो का सफ़र आपने हमारे साथ में तय किया। दहीसर से दोस्तों यहाँ गोरेगांव तक मात्र 20 रुपये का टिकट है। 20 रुपये में आप मेट्रो का सफ़र इतना शानदार और जानदार तय कर सकते हैं। ये पूरा मेट्रो का स्टेशन गोरेगांव का ये आप ये देख सकते हैं गोरेगांव ईस्ट। आज हमने जो सफ़र शुरू किया है दहीसर ईस्ट से गोरेगांव ईस्ट तक का सफ़र आपको लेकर तय किया है। और ये यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिफ्ट के माध्यम से भी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे आ जा सकते हैं और हर तरह की फैसिलिटी है। एलिवेटर भी है और सारी चीज़ों की फैसिलिटी दोस्तों मुंबई मेट्रो। हालांकि सभी जगह मेट्रो में सब फैसिलिटी है, भले ही आप दिल्ली चले जाएं, लेकिन मुंबई की बात ही कुछ और है। ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की खूबसूरती। और यहाँ पर ये वेस्टर्न बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत, ये गोरेगांव ईस्ट का ही क्षेत्र आप ये देख सकते हैं। और ये इसके बाद हम आपको लेकर आ चुके हैं अंधेरी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर अंधेरी, इस मेट्रो एक का ऊपर जो है फ्लाईओवर है, यहाँ से आप सीधे साकीनाका तक का सफ़र तय कर सकते हैं। साकीनाका में चांदीवली स्टूडियो है और बहुत ही बड़े बड़े स्टूडियो हैं। अगर अंधेरी वेस्ट में अगर आप जाते हैं तो अंधेरी वेस्ट में यशराज स्टूडियो है और इस ब्रिज के नीचे ही नटराज स्टूडियो है दोस्तों। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ये यहाँ पर भी मेट्रो का काम ये चल रहा है। यहाँ से आगे भी मेट्रो चलाई जाएगी आने वाले दिनों में दोस्तों। वो मेट्रो जो है जिससे हम आ रहे थे वो अंधेरी तक आती है, अंधेरी से फिर ये वाली मेट्रो पकड़नी पड़ती है। ये बिस्लरी फैक्ट्री आप ये देख सकते हैं अंधेरी ईस्ट में, यहाँ से ही बड़ी बड़ी बॉटल्स में भर कर पानी को सप्लाई किया जाता है बिस्लरी का। और ये हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जाने का ये रास्ता है दोस्तों। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की खूबसूरत प्रतिमा ये यहाँ पर लगी हुई है, ये आप लिखा हुआ देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमानतल जाने का ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। मात्र 10 मिनट के अंदर आप दोस्तों मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच सकते हैं ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। और ये पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दोस्तों विरार से क्या ये अहमदाबाद से आ जाता है और मुंबई दहिसर से मुंबई की बाउंड्री जो है बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये हम आपको लेकर आ चुके हैं ये मुंबई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो कि सांता क्रूज में स्थित है दोस्तों। ये पूरा आप ये देख सकते हैं ये गोलाकार बिल्डिंग, ये यहाँ का सहारा होटल है और नाइट में डायमंड के आकार का लगता है ये पूरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मुंबई के विषय में हम आपको अलग अलग प्रकार की जानकारियां देते रहते हैं। ये पूरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट को आप देख सकते हैं।